नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है, इसमें हम एमएस वर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ आपके लिए लेकर के आए हैं। ये शॉर्टकट कीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आपके एग्जाम में भी पूछी जाती हैं और आपसे इंटरव्यू के दौरान जब आप अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हो तो वहाँ भी आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो इमेज है, ये एक फ़ोटो है, ठीक है। उसका इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जितनी भी जो है शॉर्टकट की दी गई हैं, यहाँ पर ए से लेकर के, ठीक है, जेड तक की जो कॉमन शॉर्टकट कीज़ हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हैं जैसे कि आल्ट प्लस F4, F1, F7, ठीक है, इनको भी यहाँ पर इसी वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो हम सबसे पहले जो है एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे सर्च करेंगे विनवर्ड, WINWORD, ठीक है। और ये भी एक शॉर्टकट की है, इसको भी याद रखिएगा, विनवर्ड, ठीक है। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो विनवर्ड जैसे आप लिखते हो, आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा और ये विनवर्ड आपको इस इमेज में नहीं मिलेगा क्योंकि मैं लिखना भूल गया हूँ। अब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और सबसे पहली शॉर्टकट की हमारी Ctrl+A, इसी को जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एमएस वर्ड हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है और इसका जूम मैं थोड़ा कम कर ले जाऊँ, 100%, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पर जो है एक डेमो पैराग्राफ ले लेते हैं। डेमो पैराग्राफ लेने के लिए सिंपल इक्वल टू का निशान RAND इस तरह से, और इन ब्रैकेट्स को स्टार्ट और बंद करके एंटर बटन दबाएंगे तो इस तरह से डेमो पैराग्राफ आ जाएगा। ये भी एक शॉर्टकट की आपके काम आ सकती है। तो Ctrl+A सबसे पहली शॉर्टकट की थी, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ कंटेंट सेलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। दूसरी शॉर्टकट की है Ctrl+B, हमने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे मैं Ctrl+B बटन प्रेस करता हूँ तो हमारे सभी टेक्स्ट बोल्ड हो जाएंगे और बी पर जब आप लेकर के जाएंगे तो देख सकते हैं Ctrl+B इस शॉर्टकट की का नाम है। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है, देख लेते हैं इमेज के अंदर, Ctrl+C यानी कि कॉपी, ठीक है। तो पूरा कंटेंट सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+A, Ctrl+C, सी से हमने कॉपी कर लिया। अब हम फिर से यहाँ पर Ctrl+V बटन का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर जो है इस कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट करवा पाएंगे। तीन पैराग्राफ ऊपर थे, तीन नीचे आ गए। हमने कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की, हमने यूज़ की Ctrl+V, Ctrl+V शॉर्टकट की का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की कौन सी है, डी, ओपन टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+D शॉर्टकट की का यूज़ होता है। तो हम देख लेते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स या फिर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। ये जो फॉन्ट है, देख सकते हैं आप, इसके अंदर ये जो ऑप्शन है ये आपका फॉन्ट के ऑप्शन है। और जैसे आप यहाँ पे एरो पर क्लिक करेंगे या नीचे की तरफ कॉर्नर में, तो ये आपको जो एक मैसेज दिखाई दे रहा है जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ Ctrl+D, लिखने पर आप इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक इसी तरह Ctrl+D जैसे ही मैं बटन प्रेस करता हूँ तो भी आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें इन फॉन्ट्स के एडवांस ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट का स्टाइल, साइज, ठीक है, स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सभी ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में यहाँ पे इस, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आपको जो इनका इस तरह से इसका क्या बोलते हैं इसको, रिव्यू या फिर तुरंत जो दिखता है वो आपको यहाँ पे डेमो दिखाई देगा कि आपके टेक्स्ट किस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो सब दिखाई देंगे, आप अपने फॉन्ट को किस तरह से चेंज करना चाहते हैं, हटा देते हैं। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की कौन सी, नेक्स्ट है ई, ठीक है, डी के बाद ई है, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट यानी कि जो ये हमारे टेक्स्ट हैं इसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ, Ctrl+E बटन प्रेस करूँगा, Ctrl+E, ठीक है, तो ये सेंटर में अलाइन हो गया और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये सेंटर में सेलेक्टेड हो गया, ठीक है। तो वापस में मैं इसको जो है लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे आप कर्सर लेकर के जाओगे सेंटर अलाइनमेंट पर, तो यहाँ पे Ctrl+E दिखेगा, इस पर सेलेक्ट करके भी कर सकते हो या फिर आप Ctrl+E बटन प्रेस करके भी कर सकते हो। मैंने फिर से Ctrl+E दबा दिया तो ये हट गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की कौन सी है, ई के बाद है एफ, यानी कि फाइंड डायलॉग बॉक्स। जैसे मुझे इस पैराग्राफ के अंदर कुछ ढूंढना है, ठीक है, तो फाइंड का मतलब है ढूंढना, तो Ctrl+F बटन जैसे मैं प्रेस करूंगा तो फाइंड डायलॉग बॉक्स एफ यानी कि फाइंड, ठीक है, यानी कि ढूंढना, फाइंड बट क्या ढूंढना है, तो मेरे को होम टेक्स्ट ढूंढना कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में होम जो है वहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो दूसरा होम सेलेक्ट होगा, फाइंड नेक्स्ट पे फिर तीसरा वाला होम,
और फाइंड नेक्स्ट फिर चौथा वाला होम, ठीक है। टोटल चार होम है क्योंकि हमने इस पैराग्राफ को दो बार कॉपी कर लिया था। तो ये थी कंट्रोल प्लस एफ। नेक्स्ट हमारी कौन सी है, जी, यानी कि ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स। गो टू डायलॉग बॉक्स यानी कि जैसे कि फाइंड था, फाइंड में हम क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे टेक्स्ट को, इसी तरह गो टू में भी क्या होता है, हम उस पर पहुंचते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस जी बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसी बॉक्स के अंदर फाइंड और गो टू, ठीक है, कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पर जाने का मतलब किसी टेक्स्ट पर जाना नहीं है। मान लीजिए आप किसी ऐसी फाइल को ओपन किए हुए हैं एमएस वर्ड, जिसमें बहुत सारे पेज हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने फुट नोट या फिर कोई टेबल डाल रखी है, बुक मार्क है, लाइन है, मतलब मैं यहाँ पे लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि लाइन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं लाइन नंबर 15 पर पहुँच जाऊँ, ठीक है। तो 15वें नंबर पर जो भी लाइन है मेरा कर्सर वहाँ पे जाए, गो टू पर क्लिक करेंगे और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कर्सर आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, और ये जो लाइन है ये ऊपर से 15वें नंबर पर, मैं आपको काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और हमारा कर्सर यहीं पर था, ठीक है, ऑफ पर, ठीक है। मैं फिर से करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, गो टू पर क्लिक करेंगे और कहाँ पे था हमारा कर्सर, ये आ गया ऑफ पर, ठीक है। तो 15वें नंबर पर, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं गो टू व्हाट, कहाँ पे जाना है। अगर बहुत बड़ी फाइल है, काफ़ी सारे पेज हैं, तो पेज सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे पेज नंबर डालिए, ठीक है। उसके बाद लाइन पर पहुँचना चाहते हैं तो किसी पर्टिकुलर लाइन पर पहुँच सकते हैं। बुक मार्कर अगर आपने ऐड किए हैं, ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर जो है यहाँ पे बुक मार्क का ऑप्शन है, अगर आपने बुक मार्क ऐड करके रखे हैं तो बुक मार्क का नाम सेलेक्ट करके डायरेक्ट बुक मार्क पर पहुँच सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस जी से पता चल गया क्या हुआ। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल प्लस जी के बाद आता है हमारा एच, यानी कि रिप्लेस, ठीक है। तो रिप्लेस, ये वाला रिप्लेस, ठीक है, इसी के बॉक्स के अंदर फाइंड गो टू रिप्लेस एफ जी एच, ठीक है, एच से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस में ये होम मैंने सर्च किया था इसलिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस यानी कि उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे जितने भी इसके अंदर होम टेक्स्ट हैं, ठीक है, सर्च डाउन, पहले हम इसको सर्च करेंगे, होम जितने भी होम टेक्स्ट हैं उनको रिप्लेस कर देंगे, किससे, रिप्लेस विद सोनू, मेरा नाम जो है उससे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और रिप्लेस ऑल पर मैं सेलेक्ट करूँगा, यस पर क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा। अब हम देखते हैं भैया, होम होम होम, सबसे पहले मैं होम सर्च करके देख लेता हूँ इसके अंदर है या नहीं। अब सॉरी, मैं होम सर्च करने के लिए फाइंड पे जाऊँगा, फाइंड पर क्लिक करूँगा, सर्चिंग सर्चिंग रिजल्ट वाज नॉट फाउंड, क्योंकि जितने भी होम थे मैंने उनको कन्वर्ट कर दिया किसमें, सोनू नाम के अंदर। अब मैं सोनू लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोनू आ चुका है, सोनू आ चुका है, सोनू आ चुका है, और यहाँ पे चौथे नंबर पर भी सोनू आ चुका है, यानी कि जितने भी होम थे उन सभी को रिप्लेस कर दिया है सोनू नाम से। और रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच, इसको याद कीजिए, इस बॉक्स को एफ जी एच तीनों एक साथ आते हैं, ठीक है, और एक ही बॉक्स के अंदर ये शॉर्टकट कीज है। नेक्स्ट हमारी कौन सी है, नेक्स्ट है हमारी एच के बाद आई, इटैलिक, यानी कि हम हमारे टेक्स्ट को इटैलिक भी कर सकते हैं। इटैलिक कैसे कर सकते हैं, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो ये तो अभी तो बोल्ड कर रखे हैं, इटैलिक यानी इनके हम इनको टेढ़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये आई जो टेढ़ा है, इस तरह से इटैलिक कर सकते हैं, और इस पर आप कर्सर लेकर के जाएंगे तो दिखेगा कंट्रोल प्लस आई। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस आई बटन प्रेस करता हूँ, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो, जैसे हम कोट्स लिखते हैं पॉजिटिव कोट्स, उसी तरह ये जो है टेढ़े हो गए हैं, ठीक है। तो ये है इटैलिक, आई यानी कि इटैलिक हम इनको कर सकते हैं आई के माध्यम से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है, नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है आई के बाद जी, जस्टिफाई, ठीक है। जस्टिफाई, जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज़ कहाँ पे होता है, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, आर्टिकल, मैगजीन जितनी भी होती हैं उनमें जस्टिफाई अलाइनमेंट टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट हैं ये आपके लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से। तो जस्टिफाई में क्या होता है कि दोनों तरफ से आपके जो टेक्स्ट हैं वो समान होते हैं, ठीक है, इनमें ये नहीं देखा जाता है कि टेक्स्ट उस साइड से स्टार्ट हो या उस साइड से। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस ए बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो साइड से जो है यहाँ पे जो है पीछे की तरफ जगह बच गई है, कुछ टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है। तो इस तरह की जो सीधी लाइन है, जैसे कि इस तरफ से आप देख सकते हो बिल्कुल सीधी लाइन है, ऐसी लाइन इस तरफ भी आनी चाहिए, जैसे कि न्यूज़पेपर अखबार में होता, आपने देखा दोनों तरफ से आर्टिकल के जो लाइनें सीधी होती हैं, इस तरह की जो लाइनें होती हैं वो आप किससे ला सकते हैं, जस्टिफाई अलाइनमेंट से ला सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे, जे मीन जस्टिफाई। तो जैसे ही आप मैंने क्लिक किया आप देख सकते हो बिल्कुल सीधा हो चुका है इस साइड से भी ये लाइनें, और यहाँ पर इसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं ये अलाइनमेंट आप चार तरह के होते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट और ये जस्टिफाई, इस पर कर्सर लेके जाओगे तो बताएगा कंट्रोल प्लस जे, ठीक है।
तो इस तरह से आप जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज़ करके अपने पैराग्राफ को दोनों तरफ से एक समान कर सकते हो। उसके बाद जे के बाद कौन सा आता है, जे के बाद आता है के, ओपन हाइपरलिंक। ठीक है, अपने पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई यूआरएल या फिर कोई लिंक डालना है किसी फाइल का, मतलब जैसे आप उस पर क्लिक करो उस साइट पर चले जाओ या फिर दूसरी फाइल ओपन आप कर सको, तो वो आप कैसे कर सकते हो। वैसे तो इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पर हाइपरलिंक पर जाकर कर सकते हो, तो जैसे ही यहाँ पे जाओगे तो शॉर्टकट दिखा देगा कंट्रोल प्लस के। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर्सर यहाँ पे लेता हूँ और कंट्रोल प्लस के बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो है ओपन हो चुका है ये, ठीक है, हाइपरलिंक का डैशबोर्ड। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस मतलब हमें यहाँ पे यूआरएल डालना होगा कि हमें कौन सी फाइल यहाँ पे लेके आनी है। तो फाइल को आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, ये फ्लैशबैक मूवी, ये मेरे फोल्डर्स हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इनको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे क्योंकि ये डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर तीन फाइलें हैं मेरी, ठीक है, तो ऊपर इस यहाँ पे क्लिक करें लुक इन, किसके अंदर ढूंढना है, तो मैं चाहता हूँ मेरी डी ड्राइव के अंदर, क्योंकि वहाँ पर मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं। तो मैं यहाँ पे इमेजेस या फिर सॉरी मैं दूसरी वाली ढूंढ लेता हूँ, मैं यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाऊँगा, डाउनलोड पर मैंने अपनी कुछ डिटेल डाउनलोड करके रखी, जैसे PMKVY का डिप्लोमा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा जो है यहाँ पे तो पूरा लिंक आ गया है। लेकिन अगर मैं चाहूँ सिर्फ कुछ नाम दिखाई दे, तो मैं फिर से करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल प्लस के से ओपन करो, उसके बाद डॉक्यूमेंट पे जाओ और अपने फोल्डर को ढूंढो जहाँ पे आपकी जानकारी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे PMKVY का डिप्लोमा, तो यहाँ पे आप देखोगे यूआरएल नीचे भी आ चुका है और यूआरएल ऊपर भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यहाँ पर जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले मतलब क्या टेक्स्ट दिखाई देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोनू डिप्लोमा, ठीक है, मेरा डिप्लोमा है PMKVY का, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का डिप्लोमा है, तो ये टेक्स्ट दिखाई देंगे और ये मेरा पाथ है, यूआरएल है, ठीक है। यहाँ पे किसी साइट का नाम भी आप डाल सकते हो, उस पर क्लिक करोगे तो उस साइट पर चले जाओगे, ओके पर क्लिक करोगे सिंपल, और अब आप देखोगे सोनू डिप्लोमा, ठीक है, जैसे इस पर आप कर्सर लेकर के जाओगे तो आपको पाथ दिखाई देगा कि सी ड्राइव के अंदर यूज़र, ठीक है, डाउनलोड के अंदर है, ठीक है। उसके बाद अब इसको ओपन कैसे करोगे, तो ओपन करने की भी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस क्लिक, ठीक है, पहले कंट्रोल बटन प्रेस करो, उसके बाद जब ये हाथ के जैसा निशान आएगा तो अपने माउस से कौन सा बटन प्रेस करना है, लेफ्ट बटन को प्रेस करना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका डिप्लोमा ओपन हो जाएगा। तो ये मेरा डिप्लोमा ओपन हो चुका है PMKVY का विद ग्रेड ए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ, तो आपको पता चला है कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की से हम हाइपरलिंक को ओपन कर सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी एल, यानी कि लेफ्ट अलाइन, ठीक है, तो लेफ्ट अलाइन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट अलाइनमेंट चार तरह के होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट ये फिलहाल लेफ्ट अलाइनमेंट में ही है, पहले मैं इसको राइट अलाइनमेंट कर लेता हूँ, मतलब ये टेक्स्ट जो राइट साइड से लिखने स्टार्ट हुए हैं, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस एल बटन प्रेस करता हूँ, तो ये लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट हो गया, लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं इसको जो है राइट अलाइनमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे, ठीक है, कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो आप देखोगे ये लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड से लिखना स्टार्ट करा, क्योंकि ये राइट अलाइनमेंट है, लेकिन मैं चाहूँ कि ये लेफ्ट साइड से लिखने स्टार्ट हो तो कंट्रोल प्लस एस बटन भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये जो है कहाँ से राइट साइड से लिखना स्टार्ट होगा, तो ये आपका सॉरी लेफ्ट अलाइनमेंट है, क्योंकि लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट हुआ था, और अगर मैं इसको कर देता हूँ इस तरफ से तो ये राइट अलाइनमेंट होगा, राइट साइड से लिखना स्टार्ट होगा, राइट साइड यानी कि जिस हाथ से आप लिखते हैं जो आपका सीधा हाथ होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल प्लस एल तक हो गया था लेफ्ट अलाइनमेंट। उसके बाद एम, पैराग्राफ इंडेंट फ्रॉम लेफ्ट, कंट्रोल एम शॉर्टकट की से हम पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो सिंपल इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल प्लस एल, ठीक है, यहाँ पे मैंने एल यूज़ किया है, ध्यान से देख लीजिएगा, तो ये क्या था कंट्रोल प्लस एम में आ चुके हैं। तो इस पैराग्राफ, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पैराग्राफ को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो कर्सर है जिस पैराग्राफ में होगा उसी में ये शॉर्टकट की अप्लाई हो जाएगी। जैसे पहले पैराग्राफ में सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस एम बटन प्रेस करता हूँ, तो आपका जो पैराग्राफ है वो इंडेंट हो जाएगा लेफ्ट साइड से, ठीक है, आपके जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा जो है लेफ्ट साइड से जो है इस तरफ हो जाएंगे, ये आपका इंडेंटेशन है, इसको आप मैनुअली भी जो है खिसका सकते हो, ठीक है, या इनको सेलेक्ट करें और इस तरह से आप इसको पीछे की तरफ कर दें, तो ये इंडेंटेशन आप जो है कमियाँ ज़्यादा मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की से कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस एम
ठीक है, और यहाँ पे तो मैंने इनको सेलेक्ट किया था, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ कर्सर रखता हूँ और कंट्रोल प्लस एम बटन प्रेस करता हूँ, तो आपने देखा कि आपका जो कर्सर है वो जिस पैराग्राफ के अंदर होगा वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्टेड होता है ऑटोमेटिकली जब आप कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की का यूज़ करते हो। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने सेलेक्ट किया था लेकिन यहाँ पे सिर्फ कर्सर को रखा था। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की में आ जाते हैं, कंट्रोल प्लस एन यानी कि न्यू फाइल। तो ये फाइल है, और जैसे मैं कंट्रोल प्लस एन बटन प्रेस करता हूँ तो डॉक्यूमेंट टू यानी कि नई फाइल आ चुकी है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करेंगे तो देख सकते हैं आप दूसरी फाइल है। ठीक है, तो हटा देते हैं, तो कंट्रोल प्लस एन सबको पता है कॉमन सी फाइल है, नई फाइल लेने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करते हैं, एन मीन न्यू। उसके बाद है ओ, ओपन एक्सिस्टिंग फाइल यानी कि पहले से कोई फाइल बनी हुई है तो उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इस ऑफिस बटन पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ओपन कर लेते हैं, ओपन करेंगे हम शॉर्टकट की के माध्यम से, कंट्रोल प्लस ओ बटन प्रेस करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट फोल्डर ओपन हुआ, बट मैं डी ड्राइव के अंदर कोई दूसरा फाइल देख लेता हूँ। जैसे एम एस वर्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, पहले मैंने इनको एम एस वर्ड के अंदर टाइप किया था, तो ये एम एस वर्ड के अंदर टाइप भी हैं, टाइप करके रखी थी मैंने पहले ही, तो ये शॉर्टकट की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो नई फाइल को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, ये वाली हो आप देख सकते हैं ओपन एक्सिस्टिंग फाइल। उसके बाद है कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कंट्रोल प्लस पी बटन प्रेस करूँगा तो ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ये पीडीएफ के रूप में प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि फिलहाल प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, अगर प्रिंटर कनेक्टेड होता है तो यहाँ पे आपको प्रिंटर भी दिखाई देता, लेकिन प्रिंटर जब कनेक्टेड नहीं होता है तो आपकी जो फाइल है वो पीडीएफ के रूप में सेव हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा फ़ायदा है, प्रिंट का इस्तेमाल करके आप अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को पीडीएफ के रूप में चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, पी हो गया। उसके बाद है क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होगा भैया, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, तो इसको हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे सिंपल पैराग्राफ हैं, तो कंट्रोल प्लस ए बोल्ड हटा दिए, अब सिंपल है। ठीक है, कंट्रोल प्लस क्यू, तो मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ को फॉर्मेट करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं पैराग्राफ जो ग्रुप है इसके अंदर जो ऑप्शन है ये केवल इन्हीं पर अप्लाई होता है, और जहाँ तक मेरा मैंने इसका इस्तेमाल करके देखा है तो ये जो सिर्फ चार ऑप्शन है नीचे वाले सिर्फ इन्हीं पर काम करता है। देखते हैं कलर भी काम करेगा या नहीं। मैं पहले क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, हो सकता है काम भी करे। उसके बाद लाइन स्पेस इसका बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको सेंटर लाइन कर देते हैं। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो ऑप्शन थे हमने उनका यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस क्यू, हाँ क्यू शॉर्टकट की है हमारी, तो यहाँ पे आपने देखा फॉर्मेटिंग आपकी हट गई है, तो हाँ आपका ये ऑप्शन भी काम किया। ठीक है, तो पैराग्राफ के पर जो आप फॉर्मेटिंग करते हो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर दिए गए ऑप्शन से सिर्फ वो ही हटते हैं, बाकी नहीं हटते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर बोल्ड करता हूँ और कंट्रोल प्लस क्यू बटन प्रेस करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि फॉन्ट ग्रुप के अंदर का जो ऑप्शन है उसका मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, लेकिन सिर्फ पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो ऑप्शन है उनका इस्तेमाल करने पर जो फॉर्मेटिंग आप करोगे केवल उसी को आप हटा पाओगे, जो कि मैंने इस इमेज के अंदर लिखा भी है, कंट्रोल प्लस क्यू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यानी कि जो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो फॉर्मेटिंग है केवल वो ही हटेगी कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट की से। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आर यानी कि राइट अलाइनमेंट, जो कि आपने देखा था अलाइनमेंट चार तरह के होते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाइड। ठीक है, राइट अलाइनमेंट यानी कि आप राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर देंगे, या तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए या फिर कंट्रोल प्लस आर बटन को प्रेस कीजिए, आर मीन राइट। ठीक है, मैं सिंपल कंट्रोल प्लस एल कर लेता हूँ, लेफ्ट से ही ठीक लगता है। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कौन सी, आर के बाद एस, कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए, भैया सेव तो ऑलरेडी है ही, तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल प्लस एन नई फाइल ले लेता हूँ, और यहाँ पर फिर से जो है आर एन डी और पैराग्राफ। ठीक है, अब हम इस फाइल को सेव करेंगे, कंट्रोल प्लस एस बटन को प्रेस करेंगे तो सेव का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑलरेडी खुल जाता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ कॉर्नर में देख सकते हैं लिखा हुआ सेव एज। ठीक है, हमेशा जब भी आप फाइल को सेव करेंगे या फिर सेव एज करेंगे तो ये ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, लेकिन यहाँ पर हमेशा सेव एज लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, सेव का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको देखना है कि सेव का ऑप्शन कहाँ से होगा, हाँ लेकिन आप यहाँ से भी इसको सेव कर सकते हैं इजीली।
ठीक है, अपना फाइल सेलेक्ट कीजिए किस फॉर्मेट में आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पीडीएफ का नहीं है क्योंकि पीडीएफ के लिए मुझे अलग से जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, बट अगर आप चाहें तो कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस पी बटन प्रेस कीजिए और पीडीएफ के रूप में आप इसको सेव कर पाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल प्लस एस बटन से ये ऑप्शन ऑन हो गया है सेव एज का, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेव का। अब आप चाहें तो इसको कोई भी नाम दे करके, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे करके इसको सेव कर सकते हो। मैं इसको हटा देता हूँ, अभी नहीं करने वाला है। ठीक है, बंद कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है एस के बाद में कौन सी है, टी, क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट। काफ़ी नई शॉर्टकट की है, आपने पहली बार सुना होगा। जैसे मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस टी बटन को प्रेस करता हूँ, तो आपने एक बात नोटिस की, सबसे पहली लाइन एज इट इज़ है लेकिन उसके जो नीचे की तरफ जो लाइनें हैं वो इंडेंट हो गई हैं। तो ये कौन सा इंडेंट है, ये पैराग्राफ इंडेंट नहीं है। पैराग्राफ इंडेंट तो आप कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की से कर सकते हो, बट ये क्या, ये एक हैंगिंग इंडेंट है। हैंगिंग यानी कि हैंग का मतलब क्या होता है, हैंग का मतलब होता है लटकना, फांसी पर लटकाते हैं, कहते हैं ना कि बस इसको हैंग कर दिया, लटका दिया गया। तो हैंग का मतलब होता है लटकना, यानी कि ये एक हाथ से यानी कि सिर्फ एक लाइन से जो है पकड़ के रखे हैं किसी चीज़ को और बाकी के जो होंगे वो इस पर लटक जाएंगे। ठीक है, तो एक लाइन को छोड़कर बाकी के जितने टेक्स्ट होंगे वो सब आपके क्या होंगे, इंडेंट हो जाएंगे। अब मैं दो पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और फिर से कंट्रोल प्लस टी बटन प्रेस करता हूँ, तो दोनों पैराग्राफ की पहली लाइन एज इट इज़ रहेगी और नीचे की जो अलग लाइनें हैं वो इंडेंट हो जाएंगी। तो इसको बोलते हैं पैराग्राफ हैंगिंग इंडेंट, यानी कि हैंग कर रहा है, ठीक है, लटक के एक हाथ पे। ठीक है, क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट इसको बोलते हैं। लेकिन अगर आपको सिंपल इंडेंट करना है पैराग्राफ को, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एम का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं पैराग्राफ इंडेंट फ्रॉम लेफ्ट, और ये है आपका क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट। उसके बाद है नेक्स्ट कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करने के लिए। तो अंडरलाइन जैसे कि ये हमारे टेक्स्ट है, सबसे पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे टेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस यू बटन प्रेस करेंगे सिंपल, और इनके नीचे यू मीन अंडरलाइन, ठीक है, और ये सेलेक्ट हो जाएगा। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट के अगर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारी वी, पेस्ट करने के लिए। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैंने इसको कॉपी किया था, फिर से करके देख लेता हूँ। और नीचे आते हैं और कंट्रोल प्लस वी बटन को प्रेस करते हैं, कौन सा यूज़ किया है, CTRL+V, ठीक है, ये शॉर्टकट की हमने यहाँ पे यूज़ की है पेस्ट करने के लिए कॉपी करने के बाद। नेक्स्ट है हमारी कौन सी, नेक्स्ट है हमारी W, क्लोज, कंट्रोल प्लस W से हम हमारे डॉक्यूमेंट फाइल को क्लोज कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल प्लस W बटन प्रेस करूँगा, ये हमारा बंद हो जाएगा प्रोग्राम, या फिर यहाँ पर जो ऑप्शन है कांटे का निशान, यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके भी आप अपने जो इस डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन दिखाएगा, डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंजेस टू डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट में आपने जो चेंज किए उनको सेव करना चाहते हो, यस कर सकते हो या फिर नो कर सकते हो, आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे। लेकिन मैं बाहर नहीं निकलना चाहता, कैंसिल करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस W शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा, तो सेम मैसेज आपको देखने को मिलेगा, डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंजेस टू डॉक्यूमेंट, यस और नो, कैंसिल, नहीं भाई बाहर नहीं निकला। लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो, मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस W प्रेस करता हूँ, तो जी हाँ मैं सेव, सॉरी नहीं करना चाहता भैया, तो आप उस पर्टिकुलर फाइल से बाहर निकल गए हो, कंप्लीट बाहर नहीं निकले हो लेकिन उस फाइल से बाहर निकल गए हो। लेकिन अगर आप कंप्लीट बाहर निकलना चाहते हो तो क्लोज बटन पर प्रेस कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लोज करके यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ। ठीक है, और फिर से ओपन करते हैं विनवर्ड, ये हमारा ओपन हो गया, फिर से रेंट, ठीक है, हमारा पैराग्राफ आ गया है। अब हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल प्लस W आपको पता चल गया क्लोज का काम करती है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस X कट करने का ये काम करती है। मान लो ये पैराग्राफ, मैं इसको थोड़ा सा कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल प्लस X, X का मतलब वैसे भी काटा होता है, ठीक है ना, X कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो काटे का निशान है। तो अब मैंने उस पैराग्राफ को कंट्रोल प्लस X किया था, उसको वहाँ से उठा लिया है यानी कि कट कर लिया है, और मोबाइल में इसका नाम होता है मूव, यानी कि एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर पहुंचाना, और कंट्रोल प्लस वी प्रेस करके आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की। नेक्स्ट है हमारी कंट्रोल प्लस वाई रीडू, यानी कि रीडू का मतलब क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस जेड तो आपको पता है अंडू होता है, लेकिन रीडू का हम यूज़ कैसे करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम सोनू, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे आकर के अपना नाम लिखा है, मैं इस टास्क को रिपीट करना चाहता हूँ। रीडू का मतलब होता है
दोबारा से करना, रीडू। स्पेलिंग को पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है रीडू, REDU, ठीक है, यानी कि उसको दोबारा से करना। अब मैं क्या करूँगा, एंटर बटन प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्लस, कौन सी शॉर्टकट की थी, वाई, ठीक है, सॉरी मैंने एंटर किया था, नाम लिखने के बाद मैंने एंटर बटन प्रेस किया था तो एंटर रिपीट हो रहा था, तो मैं फिर से क्या कर लेता हूँ, सोनू बटन, सोनू अपना नाम लिख देता हूँ, इस तरह से नाम लिखा। अब हम कंट्रोल प्लस वाई 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 वाई, सॉरी शायद बैक स्पेस सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, फिर से लिखते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं पहले, ठीक है, सोनू नाम से सेव कर लेता हूँ यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं फिर से यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ सोनू, अब मैं इसको रिपीट करता हूँ कंट्रोल प्लस वाई 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 वाई, अगर मैं चाहूँ तो SONU स्पेस और वाई 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 वाई, इस तरह से आप जो है रिपीट कर सकते हो किसी भी काम को, ठीक है। जैसे मान लो ये पैराग्राफ है, कंट्रोल प्लस सी, और मैंने इसको किया है पे कंट्रोल प्लस वी, ठीक है, और एक और बार वी करूँगा तो ये रिपीट होगा, लेकिन कंट्रोल प्लस वाई अगर मैं प्रेस करता हूँ तो भी ये सेम काम करेगा, ठीक है ना। वैसे तो ये सिमिलर ही है, कंट्रोल प्लस वी और वाई, बट वाई क्या करता है, वाई रिपीट करता है किसी भी काम को। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको डिलीट किया, अब मैं कंट्रोल प्लस वाई बटन प्रेस करूँगा तो होगा क्या, शायद कुछ नहीं होगा, मैं इसको पहले इस तरह से डिलीट करता हूँ, कंट्रोल प्लस वाई बटन प्रेस करूँगा तो इस तरह से मेरे जो टेक्स्ट हैं वो डिलीट होते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने डिलीट करने का काम किया था चार टेक्स्ट को। तो वाई क्या करता है, रीडू, यानी कि रिपीट करता है किसी भी काम को बार बार, चाहे आप उसको सेव करते हो, कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, कुछ भी करते हो। और जेड क्या है, अंडू, यानी कि हमने अभी जो हटाए हैं उनको वापस से ला सकते हैं, अंडू, हमने जो काम किया उसको वापस से करना है, ठीक करना है, ठीक है, रिवर्स में करना है। तो कंट्रोल प्लस जेड 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 जेड, तो मेरे सारे नाम वापस आ जाएंगे, ठीक है। मान लो मुझे गलती हो गई है तो मैं उसको ठीक करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का यूज़ करता हूँ, जो कि लास्ट में है, और काफ़ी अच्छी बात है कि सबसे लास्ट में दी गई, क्योंकि अगर हमने कोई गलती कर दी तो लास्ट में इसका यूज़ करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कुछ और बच गई हैं, Alt+F4। तो Alt+F4 का इस्तेमाल वैसे तो हम हमारे कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए करते हैं, बट प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ Alt+F4 शॉर्टकट की। डू यू वॉन्ट टू सेव चेंजेस टू द डॉक्यूमेंट, यस चेंज करना चाहता हूँ, और उस प्रोग्राम से हम बाहर आ चुके हैं, ठीक है। तो उस फाइल को मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ, कहाँ पर थी हमारी फाइल, डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर दी थी सोनू नाम से, ये वाली हमारी फाइल है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस F4 शॉर्टकट की का यूज़ करता हूँ तो आप अपने इससे एप्लीकेशन से बाहर निकल जाते हैं, ये क्लोज का काम करते हैं सही तरीके से, कंट्रोल प्लस F4, सॉरी कंट्रोल नहीं, Alt+F4, ठीक है, Alt+F4, ठीक है, ये शॉर्टकट की है जिससे आप अपने इस एप्लीकेशन से बाहर निकल सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Alt+F4, वहीं जब आप अपने स्क्रीन पर होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पर हूँ, और अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे Alt+F4, डू यू वॉन्ट टू शट डाउन योर कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो, उसको रिस्टार्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला भैया, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ इसको और इसको, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कौन सी, वो है F1, हेल्प, हेल्प का ऑप्शन ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर से MS Word के अंदर जाएंगे और देखेंगे हेल्प कैसे ओपन होती है, तो सिंपल F1, फंक्शन वन जो बटन है उसको हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, वर्ड की हेल्प ओपन हो जाएगी, जहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार की हेल्प चाहिए। मान लीजिए हमें मेल मर्ज नहीं आता है, तो मेल मर्ज पर क्लिक करके मेल मर्ज के ऑप्शंस को देख लेंगे, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो F1 से सिंपल हेल्प का ऑप्शन है, होता है हेल्प आपके लिए, एक मैसेज ओपन होता है। इसके अलावा यहाँ पे कॉर्नर में आप देख सकते हो ऊपर की तरफ क्वेश्चन मार्क है, इस पर क्लिक करके भी आप हेल्प ऑप्शन को ऑन कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है F7, जो कि स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने का काम करती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे APLE, ठीक है, एप्पल, एप्पल लिखना था, APLE, बट मैंने APLE लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और F7 बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे बताएगा ये डिक्शनरी में नहीं है, ये गलत है, आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर वंस, भाई इसको छोड़ दो, मेरे को ऐसे ही रखना है। जैसे अगर मैं अपना नाम सर्च करूं सोनू, सोनू तो डिक्शनरी में नहीं है, तो सोनू को भी ये गलत बताएगा, तो लेकिन सोनू लिखना मुझे सही है, तो उसके लिए मैं इग्नोर वंस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो सजेशन बताए गए हैं एप्पल, पेल, एम्पल, ये सब वर्ड हैं, तो आप बताइए इनमें से कौन सा सही है।
ठीक है, तो चेंज ऑल पर क्लिक करो या फिर चेंज पर क्लिक करो, एक ही बात है। अगर पूरे डॉक्यूमेंट में आपने 4-5 बार APL ही लिख दिया है तो सभी APL ही एप्पल में बदल जाएंगे, बट मैंने एक ही किया है तो चेंज पर क्लिक करूँगा, यस पे क्लिक करूँगा। और अब आप देखोगे ये दूसरे वाला उठा लिया इसने, क्योंकि ये सोनू नाम थे, ये भी डिक्शनरी में नहीं है, तो मैं इनको इग्नोर वंस करूँगा, मैं इनको चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। और स्पेलिंग सजेशन नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह की कोई स्पेलिंग है ही नहीं। इग्नोर वंस मेरा नाम जो है एज इट इज़ रहेगा, और इसको मैं इग्नोर वंस करूँगा, सोनू नाम जो कि डिक्शनरी में नहीं है। तो इस तरह के जो नाम होते हैं जो आपको रखने हैं और डिक्शनरी में नहीं है, तो उनको आप इग्नोर वंस कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा चेक ऊँचा हो चुका है, और ये हमारा जो APLE मैंने लिखा था, APPLE बन चुका है, ये भी हमारा ठीक हो चुका है, ठीक है। तो F7 क्या करती है, F7 क्या करती है, स्पेलिंग और ग्रामर को ठीक करने का काम करती है। नेक्स्ट हमारी है F12, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम F12 का यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये फाइल है जो कि सोनू नाम से ऑलरेडी सेव है, कंट्रोल प्लस S बटन से प्रेस करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं F12 F12 फंक्शन की यूज़ करूँगा तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यानी कि इस फाइल को मैं किसी दूसरे नाम से, ठीक है, सेव कर सकता हूँ, यानी कि एक ही फाइल को दो अलग अलग नाम से सेव कर सकता हूँ, इस फाइल का कॉपी बना सकता हूँ, ठीक है, अलग अलग नाम से। तो उसके लिए हम F12, कौन सी F1 मेरे से प्रेस हो गया, कौन सी F12, F12 जो फंक्शन की उसका यूज़ करते हैं हम सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू, ये काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है अच्छे से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की इस वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये वाली फाइल जो कि मैंने वर्ड में टाइप किया, मैं देखना चाहता हूँ प्रिंट करने पर ये कैसी दिखाई देगी, क्योंकि अगर आप चाहें तो इस फाइल को जब आप डाउनलोड करेंगे तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसका एक पेज पर। तो मैं यहाँ पे कौन सी शॉर्टकट की थी, कंट्रोल प्लस F2, शायद F2 थी, कंट्रोल प्लस F2, हाँ बिल्कुल यही थी। जूम करके देख सकते हो, प्रिंट करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, प्रिंट होने के बाद एज इट इज़ आपका यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये प्रिंट प्रीव्यू आपका ओपन हो गया, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फाइल आपकी प्रिंट होने के बाद कैसी दिखाई देगी। यहाँ पर क्लोज प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो वापस से आप उसी पेज पर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की कौन सी है, होम गो टू बिगिनिंग ऑफ लाइन, तो इसके लिए हम इस वाले को ओपन करते हैं, ठीक है। तो सिंपल मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पर है और मेरे को यहाँ पे जाना है, तो एक तरीका तो ये है कि कर्सर से हम यहाँ पे जाएंगे, दूसरा तरीका होता है कि एरो बटन पर क्लिक करके इस तरह से जाएंगे, लेकिन एक मस्त तरीका होता है, होम बटन को प्रेस कर दो सिंपल। जैसे हम आप होम बटन को प्रेस करोगे, ठीक है, अपने कीबोर्ड से, तो आप जो है लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा, और एंड बटन को प्रेस करने पर लास्ट में पहुंच जाएगा। तो ये शॉर्टकट कीज होती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपका कहीं पे टाइपिंग टेस्ट है, तो दूसरी लाइन पे जाना है तो सिंपल होम बटन प्रेस कीजिए, स्टार्टिंग में जाना है, लास्ट में जाना है तो एंड बटन को प्रेस कीजिए, सिंपल। अगर सिंगल क्लिक करते हो तो सिर्फ एक ही लाइन में आप घूमोगे, बट अगर आप यहाँ से सीधे पेज के लास्ट में जाना चाहते हो तो माउस के बजाय आप कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिंपल एंड बटन प्रेस करोगे तो सिर्फ लाइन के लास्ट में जाओगे, बट अगर आप कंट्रोल प्लस एंड बटन यूज़ करोगे तो फाइल के पूरे लास्ट में चले जाओगे। अब मैं इस फाइल के स्टार्टिंग में जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस होम बटन को प्रेस करूँगा और इसी फाइल के सबसे स्टार्टिंग में पहुँच जाऊँगा। ये भी शॉर्टकट किसके अंदर थी, जो कि आप कर चुके हैं अभी अभी, ठीक है। ये देखो ये पे लिखी हुई है, कंट्रोल प्लस होम से आप डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में पहुंच जाओगे, कंट्रोल प्लस एंड से आप डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंच जाओगे। नेक्स्ट आपकी शिफ्ट प्लस F7 जो कि लास्ट है हमारी, ठीक है, इसको भी हम करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, मैं वर्ड लिखता हूँ LOVE लव, ठीक है। अब मैं इस वर्ड को करता हूँ सेलेक्ट, F7 से क्या था, स्पेलिंग और ग्रामर को आप चेक कर सकते हैं, बट शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट बटन को प्रेस करें उसके बाद F7 को प्रेस करें, तो इस तरह से एक डिक्शनरी ओपन होगी जिसे हम थीसेरस डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ये आपको किसी भी शब्द के समानार्थी और विपरीत शब्द यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ थीसेरस, थीसेरस यानी कि एक डिक्शनरी है। तो लव के जो सिनोनिम है समानार्थी शब्द, वो कौन से हैं, फील अफेक्शन फॉर, एडोर, वॉर्शिप, बी इन लव विद, बी डिवोटेड टू, केयर फॉर, जब आप किसी की केयर करते हो, किसी की चिंता करते हो तो उसके प्रति आपका प्यार होता है, ठीक है। तो लव शब्द के जो समानार्थी है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। लाइक पसंद करना, ठीक है, ये भी लव से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी शब्द के समानार्थी और विपरीत शब्द जो है ढूंढ सकते हो शिफ्ट प्लस F7 बटन का यूज़ करके, ठीक
ठीक है, तो ये हो गई हमारी सभी शॉर्टकट की कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।